आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि हमारी भारत सरकार और ट्विटर के बीच किस तरह से रस्साकसी चल रही है। क्या हुआ कि भारत सरकार ने कुछ अकाउंट हटाने के लिए ट्विटर से कहे, लेकिन ट्विटर ने कुछ अकाउंट हटा दिए थे, लेकिन फिर से उन्हें बहाल कर दिया है। और ट्विटर ने कहा है कि हमारी नीति के एक खिलाफ है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई आपके मंत्री हो या कोई और व्यक्ति हो, कू ऐप पर जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसे देसी ट्विटर भी कहा जा रहा है, कू ऐप को। और इसे आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल ही बनाया गया था। और पिछले साल इसने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज का विनर भी बना था। कौन? कू ऐप। देखिए, ये आपका कू ऐप का लोगो। और ट्विटर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसकी स्थापना यानी कि आया हुआ था 21 मार्च सन 2006 में, और इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा ट्विटर का सैन फ्रांसिस्को में है। एक तरह से इसका मुख्यालय दूसरे देश में है, यानी कि डाटा हमारे देश में इसका सेव नहीं होता है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन जो कू ऐप है, ये देसी ऐप है, इसका जो भी डाटा होगा वो हमारे ही देश में रहेगा। लेकिन आप देखते हैं कि चाइना की तरह देखते हैं ना आप लोग, कि उसका खुद का विकिपीडिया है, उसका खुद का एक तरह से ट्विटर जैसा है, उसका खुद का अपना फेसबुक अकाउंट, फेसबुक ऐप भी है, फेसबुक साइट भी है, और यूट्यूब भी उसका देसी ही है एक तरह से। हमारे देश में भी बात उठती रहती है कि हमें भी अपने जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन्हें बनाना चाहिए, अपने ही देश में उनका सर्वर होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन एक बात आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि ट्विटर का उपयोग सबसे ज्यादा होता है पूरी दुनिया में। जो भी लीडर हैं, जो भी मोस्ट पावरफुल, जो भी इस तरह के लीडर हैं, वो सभी इसका उपयोग करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो सबसे ज्यादा, एक तरह से आप कहिए कि ट्विटर का किसी ने अगर वास्तविक में उपयोग किया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। आपने देखा होगा कि कई तरह के निर्णय उसने उन्होंने ट्विटर के द्वारा ही ले लिए थे। और आप सभी लोग देखते हैं कि अधिकतर जो अच्छी जानकारी होती है, या एक दो देश से दूसरे देश को अगर कुछ कहना है, सपोर्ट करना है, तो ये सभी भी बातें ट्विटर के ऊपर चलती रहती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और ट्विटर में आप देखते हैं कि बहुत सीमित शब्दों की बात होती है, समझ रहे हैं आप लोग। कोई विस्तार में लिखना भी एक तरह से आप कह देते हैं ना कि लोकते लिख देते हैं या मुहावरा कह देते हैं, उसी तरह से बात होती है। तो अभी मुद्दा क्या चल रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, वैसे आपकी परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा अगर आप सिविल सर्विस की हो या स्टेट पीसीएस की, तो इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। फिर चाहे मुख्य परीक्षा हो आपका, प्रीलिम्स हो, या वन डे एग्जाम हो आपका। और मैं कहता हूँ, वैसे इन परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, तब भी इस तरह के जो भी चर्चा में टॉपिक रहते हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाल ही में आप लोगों ने क्या देखा, दिल्ली में आपने देखा है कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद किस तरह से आपने देखा है कि एक जो भी व्यक्ति लाल किले तक पहुंच गए। ये भी कहा जा रहा है कि ट्विटर पर इस तरह की कोई आपत्तिजनक शब्द लिखे गए या सामग्री डाली गई, उसी का ही परिणाम है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कथित रूप से उत्तेजक सामग्री और गलत सूचनाओं के प्रसार में शामिल 1,000 से अधिक खातों को अवरुद्ध यानी कि ब्लॉक करने के अपने आदेश का पालन ना करने के लिए ट्विटर यानी कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को फटकार लगाई है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस जारी किया है, क्योंकि ट्विटर ने हाल ही में 250 से अधिक ऐसे खातों को बहाल किया है जिन्हें पूर्व में सरकार की कानूनी मांग पर निलंबित कर दिया गया था। एक तरह से आप समझिए कि पहले सरकार ने कहा कि इन ट्विटर इन अकाउंटों को हटा दीजिए, उसने हटा दिए थे, यानी कि उसने ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन उसने दोबारा एक तरह से जो भी अपनी जांच पड़ताल की हो, फिर से उसने क्या कर दिया, बहाल कर दिया गया। इसी पर सरकार के उनके बीच रस्साकसी बनी हुई है। सरकार की मांग है कि ट्विटर 31 जनवरी 2021 को जारी किए गए आदेश का पालन करे, जिसमें ट्विटर को कुछ खातों और एक विवादास्पद हैशटैग को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था, जो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते थे, और साथ ही इस हैशटैग में कथित रूप से विरोध प्रदर्शनों के बाद बारे में गलत सूचनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसानों के आसन्न नरसंहार की बात की गई थी। एक बात और आपको बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा कि आप भी हैशटैग का उपयोग करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ट्विटर हैश ट्विटर लिख दीजिए, आप लोग गूगल पर सर्च करिए या कहीं और सर्च करिए, आप लोग इससे संबंधित जितनी भी पोस्ट किए गए होंगे वो सभी उपलब्ध हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग।
इसीलिए आपने देखा होगा जब आपकी परीक्षाएं नहीं होती हैं तब आप लोग इस तरह का कैंपेन भी चलाने लगते हैं, काफी ये सफल भी रहता है कैंपेन, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही, लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन से आप पूछूंगा, छोड़ दीजिए भारत सरकार के बात बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की कोई भी सरकार हो, क्या उसकी हर बात माननी चाहिए इन तरह के जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन्हें, या उन्हीं बातों को मानना चाहिए जो एक तरह से देश की एकता अखंडता या इस तरह की जो भी शांति भंग करने की बात हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब भी सरकार के विरुद्ध कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तब हम पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार सही है, समझ रहे हैं, और या हम पूरी तरह से सही हैं, तो बीच का मुझे लगता है कि कोई रास्ता होना चाहिए, यानी कि कोई इस तरह की पूरी व्याख्या से साफ साफ कोई नीति होनी चाहिए कि इस तरह का अगर कंटेंट कोई डालता है तो उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वो उसका अकाउंट हट जाएगा, समझ रहे हैं आप। ट्विटर ने स्वयं ही इन खातों और ट्वीट को बहाल कर दिया है और बाद में इस निर्णय को वापस लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये खाते और ट्वीट इनकी नीति का उल्लंघन नहीं करते हैं। आप समझिए कि मैं भी इस बात, मेरा पर्सनल व्यू है, देखिए आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे जब ये अलग बात हो जाती है, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा कहना है या मानना है कि आप समझिए कि हम लोग सरकार की बुराई कर रहे हैं, हम मान लीजिए हम ट्विटर पर सरकार की, किसी सरकार की या किसी व्यक्ति की आप कहिए कि आलोचना कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति कहे कि ट्विटर से कि इनका ये अकाउंट डिलीट कर दीजिए और मैंने केवल आलोचना की है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि देश की एकता अखंडता या आप कहिए कि किस तरह का विवाद खड़ा हो, तो क्या तब भी ट्विटर को बात मान लेनी चाहिए? इस तरह के सवाल भी उठते रहे हैं और उठते रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो इस तरह की बातें भी आती रहती हैं। आप लोग भी नीचे लिखिए, बताइए कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या सरकार की हर बात माननी चाहिए। इंटरनेट सेवाओं और सामग्री को ब्लॉक करने से संबंधित कानून की भी बात कर लेते हैं, और एक कानून भी कई बार आपका प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बन चुका है, एमबीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा में भी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, भारत में समय समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें उन सभी बिचौलियों मध्यस्थों को शामिल किया गया है जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं। मध्यस्थों की भूमिका वर्ष 2011 में इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अलग अलग नियमों सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश नियम 2011 में स्पष्ट की गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है कि हमारा समझ लीजिए कि एक तरह से नियम तो है लेकिन इसके जो भी सर्वर हैं, इन सभी साइटों के जो भी सर्वर हैं, ये विदेशों में है, तो जो भी डाटा रहता है विदेशों में सेव होता है, तभी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये कभी भी उपयोग, गलत उपयोग भी कर सकते हैं डाटा का। आपने देखा होगा टिकटॉक को हमारी सरकार ने जब बैन किया था तो यही कहकर बैन किया था कि हमारे डाटा है जो हमारे यहाँ की यूजर्स का, उनका गलत उपयोग किया जा रहा है टिकटॉक के द्वारा, समझ रहे हैं आप लोग। तो समय समय पर इसका उपयोग होता रहता है, गलत उपयोग होता भी रहता है, देखने को भी मिला है। अगर बात करें हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के, ये क्या कहती है, यह केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में निर्मित, प्रेषित या प्राप्त या संग्रहित किसी भी सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या फिर डिक्रिप्ट करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है वे कौन कौन सी है, भारत की संप्रभुता या फिर अखंडता के हित में, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के लिए, अगर इस तरह का कोई कॉन्टेंट डालता है जो भारत की संप्रभुता या अखंडता पर कोई भी आंच आती है या उसके खिलाफ है, तो आप समझिए कि इस तरह के कॉन्टेंट को हटाने की बात कह सकता है भारत सरकार, ठीक है। या फिर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या उपयुक्त में से किसी से संबंधित संज्ञेय अपराध किए जाने से जुड़े उकसावी को रोकने में, किसी अपराध की जांच के लिए भी इस तरह की बात कर सकती है, इस तरह की शक्तियां हैं इसमें, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के पास। लेकिन आप समझिए, यहाँ क्या समझना है आप लोगों को, एक तो आप समझिए कि हर जो भी नियम कानून है उसकी पूरी तरह से आप समझिए कि पूरी व्याख्या ही नहीं दी जाती है। इसमें क्या होता है कि कौन सा, या यही मुद्दा बन जाता है कि कौन सा कंटेंट हटाना चाहिए, कौन सा नहीं हटाना चाहिए, क्लियर क्लियर उसकी परिभाषा ना होने के कारण विवाद और खड़ा हो जाता है, ठीक है।
या आप समझिए कि एक तरह से सीमा होनी चाहिए कि इस सीमा तक आप जाएंगे, आपकी आपकी ठीक रहेगा। जैसे अधिकारों में आपने देखा भी होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने आपके अधिकार तब तक सीमित रहते हैं, तब तक आपके अधिकार वहाँ तक लागू होते हैं जहाँ तक कि न दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होता है। जैसे ही आप लोग देखते होंगे कि आप अगर दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगते हैं, तब आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इंटरनेट वेबसाइट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया की बात करें तो जो आपकी धारा 69A है, इसमें केंद्र सरकार को उपयुक्त लिखित समान कारणों और आधारों के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन पर उत्पन्न, प्रसारित या प्राप्त या फिर संगीत या होस्ट की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए सरकार की किसी भी एजेंसी या किसी मध्यस्थ को निर्देश देने का अधिकार प्रदान करती है। पहुंच को अवरुद्ध करने का कोई भी अनुरोध लिखित रूप में दिए गए कारणों पर आधारित होना चाहिए। फिर आप देखेंगे इसमें आईटी अधिनियम सन 2000 के अनुसार क्या कहा गया है, मध्यस्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 21W के तहत मध्यस्थ को परिभाषित किया गया है। इसमें मध्यस्थ की परिभाषा क्या बताई गई है, परिभाषा के तहत सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइट या फिर ऑनलाइन बाजार या फिर साइबर के कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा या फिर वेब होस्टिंग प्रदाताओं को शामिल किया गया है। किसमें, मध्यस्थ में। इसमें उन व्यक्तियों या संस्थाओं को शामिल किया गया है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए या फिर उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त, संगीत या फिर प्रसारित करने करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस परिभाषा के तहत आते हैं। एक और आपने देखा होगा, आप लोग फेसबुक चलाते होंगे तब उसमें एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट करने का, और अगर आप दो चार लोग रिपोर्ट कर देते हैं किसी कंटेंट को तो फेसबुक को लगता है कि इसमें अगर कुछ गलत लिखा है तो उस कंटेंट को हटा दिया जाता है। या फिर आप लोग गाली गलौज कोई उपयोग करते हैं और कोई रिपोर्ट कर देता है या फेसबुक देख लेता है तब भी फेसबुक के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर आप देखिए कि कानून के तहत मध्यस्थों का दायित्व की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मध्यस्थों को एक निर्धारित अवधि के लिए केंद्र द्वारा निर्दिष्ट तरीके और पैरों में निर्दिष्ट जानकारी को संरक्षित करना तथा बनाए रखना आवश्यक होता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माने के अलावा 3 वर्ष तक के कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। जब निगरानी के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है तो मध्यस्थ और कंप्यूटर संसाधन को प्रभावी किसी भी व्यक्ति को संबंधित संसाधन तक पहुंच प्रदान करने हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसी को तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और इसमें क्या कहा गया है, इस तरह की सहायता ना उपलब्ध कराने की स्थिति में जुर्माने के अलावा 7 वर्षों तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। सरकार के लिखित अनुरोध पर जनता तक पहुंच को अवरुद्ध या ब्लॉक करने के दिशा निर्देश का पालन ना करने की स्थिति में जुर्माने के अलावा 7 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। ये है हमारे नियम कानून। ठीक है, इसमें अगर मध्यस्थ की जवाबदेही की बात करें, मध्यस्थ कहने का मतलब है कि आप समझिए ट्विटर के बीच, जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूं तो मेरे और भारत सरकार के बीच कौन है, ट्विटर। समझ रहे हैं आप लोग, आईटी अधिनियम 2000 सन 2000 की धारा 79 यह स्पष्ट करती है कि एक मध्यस्थ उसके द्वारा होस्ट या उपलब्ध कराई जाने वाली किसी तीसरे पक्ष की जानकारी या डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तृतीय पक्ष की जानकारी से ऐसा एक नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा मध्यस्थ के रूप में उसकी क्षमता से संबंधित किसी जानकारी से है, या मध्यस्थों जैसे इंटरनेट और डेटा सेवा प्रदाताओं और वेबसाइट होस्टिंग करने वालों को उन सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से बचाता है जो उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट या जनरेट किया जाता है। धारा 79 के माध्यम से नोटिस और हटाए जाने के प्रावधान की अवधारणा को लागू किया जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि मध्यस्थ की भी कुछ भूमिका, कुछ कर्तव्य होते हैं, इसलिए कुछ अगर गलत कॉन्टेंट होता है तो वही भी हटा देता है बिना किसी के कहे बिना। इसके अनुसार यदि कोई मध्यस्थ तो उसके द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में उपस्थित या फिर उससे जुड़े किसी डेटा, सूचना या फिर संचार लिंक का प्रयोग एक गैर कानूनी कार्य किए जाने की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने या सूचित किए जाने के बाद भी ऐसे लिंक को शीघ्रता से अक्षम करने या उस सामग्री तक पहुंच हटाने में विफल होता है तो इस स्थिति में वह है मध्यस्थ अपनी प्रतिरक्षा खो देगा। क्या कर देगा, प्रतिरक्षा खो देगा। आईटी अधिनियम सन 2000 में मध्यस्थों की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या रोक रहा है, इस मामले को आप लोग याद रखिए। जब भी आंसर राइटिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तब इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं।
श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ सन 2000 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि मध्यस्थों को केवल इस तथ्य की वास्तविक जानकारी प्राप्त होने के बाद कार्य करना चाहिए कि किसी अदालत द्वारा उन्हें शीघ्रता से कुछ सामग्री हटाने या उसे अक्षम करने के लिए आदेश दिया गया है। ये कहा गया था आपका जो श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ 2015 का मामला था। ठीक, मध्यस्थों द्वारा अधिनियम का अनुपालन किए जाने का कारण अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय अनिवार्यताएं। अधिकांश देशों ने कुछ परिस्थितियों में कानून और व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या फिर वेब होस्टिंग सेवा प्रदाताओं और अन्य बिचौलियों द्वारा सहयोग को अनिवार्य बनाने वाले कानून बनाए गए हैं। और साइबर अपराध से निपटने ही तो अगर बात करें तो वर्तमान में साइबर अपराध और कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित अन्य कई अपराधों से लड़ने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे अपराध में हैकिंग, डिजिटल प्रतिरूपण या फिर डेटा की चोरी शामिल होती है। इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने हेतु इंटरनेट के दुरुपयोग की संभावनाओं ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इसके दुष्प्रभावों को रोकने हेतु इंटरनेट पर अधिक नियंत्रण के लिए प्रेरित किया है। और एक बात और आपको बताऊं, हमारे देश में आप समझिए कि काफ़ी लोग एक तरह से अपनी भावनाएं भी प्रकट करते रहते हैं इन सोशल साइट्स के द्वारा। आपने देखा होगा अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो भी अपना हैशटैग जो भी करके या फिर टैग करके प्रधानमंत्री को भी जानकारी या किसी भी आप समझिए व्यक्ति को जानकारी देता रहता है। इनसे हमें काफ़ी लाभ भी हुए हैं और इनके काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। आपने देखा है कि कोई हिंसा हुई कहीं कुछ किसी भी तरह की गलत अगर सूचना भी है फिर भी उसे धार्मिक रंग देना या आप समझिए सांप्रदायिक रंग देना आसान रहता है। जैसे ही आपने कंटेंट डाला एक दूसरे ने शेयर किया वो वायरल हो गया। अब वो सही जानकारी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की हिंसा भड़कावे भापसड़ भी दिए जाते हैं, देखते रहते होंगे आप लोग समय समय पर। वही हाल है कि एक सही उपयोग भी है और गलत उपयोग भी है। अब आपके हाथ में किस तरह का उपयोग करना है आपको। अगर आपको लगता है कि ये गलत सूचना है तो आप भी रिपोर्ट कर दिया करिएगा। आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि देश को बचाएं, देश को एक तरह सुरक्षित रखें। आप देखते हैं ना कि आपके भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, अधिकार भी दिए गए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या सरकार करती है, क्या कहती है, देखने को मिलता रहेगा। और वैसे आप लोग एक न्यूज पेपर फॉलो करते रहा करिएगा, इस तरह की जो भी जानकारी होती है मालूम चलता रहता है। ठीक है।